हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हाई कॉम सॉल्यूशन पर। मैं आपका दोस्त सत्य प्रकाश आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल। आजकल अधिकांश लोगों के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी को बालों की समस्याएँ हैं। अधिकतर लोगों के बाल टूटने लग जाते हैं छोटी उम्र में, जिसके कारण वह जल्दी ही गंजे हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि लोग इस बालों की समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर से हजारों लाखों की दवाई ले लेते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन उनको इतना प्रभाव नहीं पड़ता, उनके बाल टूटने बंद नहीं होते। महिलाएं होती हैं वो भी काफ़ी परेशान रहती हैं बालों की समस्याओं से। उनके बाल कहीं कहीं टूट जाते हैं, बीच बीच में छोटे, कहीं छोटे कहीं बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण उनके बाल बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम इसी समस्याओं को दूर करने के लिए एक देसी दवाई आयुर्वेदिक फॉर्मूला लेकर आया हूं, जो बहुत ही सस्ता है और 100% कारगर है, जिसे आप एक बार लगाएंगे तो फर्स्ट टाइम से ही आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने सूखा आंवला, ये सूखा आंवला होता है, देखिए इसका बीज भी आंवले का, ये आंवला हो गया, दूसरा हो गया रीठा, ये गोली के जैसे होता, और तीसरा ये प्रोडक्ट हो गया आपका शिकाकाई। दोस्तों, तो आंवला, रीठा, शिकाकाई, आप इसको 100-100 ग्राम ले लें, और ये आपके नज़दीकी जहाँ भी मतलब आपकी देसी दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो इसको आप 100-100 ग्राम ले आएँ, और हो सकता है कि ये थोड़ा सीला हुआ हो, मतलब थोड़ा गीला हो, ये भी गीला हो सकता है, ये गीले मिल जाते हैं, तो इनको पहले धूप में सुखा लें एक दो दिन, उसके बाद इनको पीस लें। उससे पहले इनके अंदर देखो, ये आंवला है, ये सूखा आंवला है, इसके अंदर बीज होते हैं, तो पहले हमको ये बीज निकाल लें सभी के, हमें तीनों के बीज निकालने हैं। वैसे इसके अंदर मैं बीज निकाल लिए आंवले के, तो आंवले के अंदर कोई बीज नहीं है, रीठा है। दोस्तों, रीठा के हमें बीज निकालने पड़ेंगे, ये देखिए, ये इसके अंदर बहुत बड़े बड़े बीज निकलते हैं गोली जैसे, आपको इन सब के बीज निकालने पड़ेंगे। ये प्लास ले जाना, प्लास से निकल जाएंगे, देखिए ये देखिए रीठा का बीज, थोड़ा गीला है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ये देखिए रीठा का बीज। तो ऐसे करके आपको इन सब के बीज निकालने हैं, पहले आंवला के सारे बीज निकाल लें, फिर रीठा के निकाल लें, ठीक है। उसके बाद ऐसे आप रीठा के बीज निकाल लें, मैं निकाल लूँगा इनको, और सिक्का का ही देखिए इसके अंदर ही बीज होते हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, तो हमें इसके ही बीज निकालने हैं। इसके अंदर इस तरह के ये बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज, ये खराब लग रहा है, इस तरह से ये बीज होते हैं इसके अंदर, ये निकालने पड़ेंगे हमें, ये है, ये देखिए बीज, ये देखिए, तो हमें इसके भी हमें बीज निकालने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगता है, शिकाकाई बीज निकालने में आंवला निकल जाता है, रीठा निकल जाता है, शिकाकाई में थोड़ा निकालने में टाइम लगता है। तो हमें इस तरह से हम शिकाकाई के बीज निकाल लेंगे, थोड़ा टाइम मेहनत तो लगेगी, लेकिन बीज जरूर निकाल लें, तीनों के बीज जरूर निकाल लें। कुछ लोग क्या करते हैं, शिकाकाई के बीज नहीं निकालते हैं और इसको ऐसे ही पीस लेते हैं, तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो आप देखो, ये देखिए इसके अंदर दो बीज निकले, और भी इसके अंदर होगा यहाँ पर, देखिए। तो इस तरह से आप शिकाकाई, आंवला, रीठा बीज जरूर निकाल लें, तीनों के बीज निकाल लें। तो निकाल
निकालने में मुश्किल होती है, प्लास चाहिए होता है। मैं इसको ऐसे निकालता हूँ, वैसे हो नहीं पा रहा। और दोस्तों ये ऐसी दवाई है, अगर आपने ये फर्स्ट टाइम इस्तेमाल की तो फर्स्ट टाइम से ही आपके बाल टूटने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। गारंटी का फॉर्मूला है, 100% कहा कर रहा है इसके सामने सारे आयुर्वेदिक। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की थी, मेरे काफ़ी हेयर फॉल हुए थे, मेरे बहुत बाल टूटने लगे थे, मैं गंजा हो गया था तब मुझे किसी ने ये फॉर्मूला बताया था और ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला लगा। मेरे और मेरी वाइफ के दोनों के बाल टूटे थे सिर के, तो उन्होंने लगाया, लेकिन मैं यूज़ नहीं किया, मुझे लगा बेकार होगा। लेकिन जब उन्होंने इस्तेमाल किया उनके फर्स्ट टाइम से ही बाल टूटने बंद हो गए। फिर मैंने ट्राई किया, फिर देखा कि हाँ सच में ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है और मेरे बाल टूटने बंद हो गए। ये जहाँ सूख गया वरना से निकल जाते हैं, काफ़ी हार्ड हो गया ये। ठीक दोस्तों, चलिए मैं इनके बीज निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने सभी चीज़ें साफ़ कर ली हैं, मैंने सबके बीज अगर निकाल लिए हैं और हम इनको पीसते हैं मिक्सी मशीन में। ये आंवला हो गया, दोस्तों ये रीठा हो गया, देखिए इन सबके मैं बीज निकाल लिए हैं, दिख रहा होगा आपको। ये रीठा हो गया, दोस्तों ये हो चिका का, देखिए मैं सबके बीज निकाल लिए हैं। ठीक दोस्तों, हमने इसको इसमें डाल दिया और अब हमें इसको मिक्स करना, पीसना है, इसको बनाना है पाउडर। तो इसको कवर कर देते हैं, थोड़ा गीला है भी इसलिए ढंग से चल नहीं पा रही मशीन। चलो कोई नहीं, इसमें बीज ना हो, बीज बहुत हार्ड होते हैं इसके। तो हाँ दोस्तों ये देखिए पाउडर पीस किया, इनका पाउडर बन गया है, थोड़ा गीला था इसलिए थोड़ा मोटा हो गया, पूरी तरह से पाउडर नहीं बन पाया है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों इसके लिए एक लोहे का बाउल लेंगे, एक लोहे की कटोरी या लोहे का कोई बर्तन हो, कढ़ाई हो, कुछ भी हो आपके पास, लेकिन लोहे का ही होना चाहिए। दोस्तों एक चम्मच इसके अंदर, मैं इसे अंदर कर लेता हूँ, एक चम्मच या दो चम्मच बाउल में डाल लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे और रात को इसको फुला के रख देंगे और सुबह नहाने से एक घंटे पहले इसको लगा लेंगे। इसके अंदर पानी इतना डालें कि ये पतला ना हो, गाढ़ा ना हो, या तो इसको सुबह फुला के रखें और शाम को लगा कर सो जाएं और सुबह नहा लें, या फिर रात को फुला कर रखें, सुबह नहाने से एक घंटे पहले लगाएं और फिर नहा लें। तो जब भी इसका इस्तेमाल करना है तो आपको साबुन का, शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना है। और दोस्तों ये गारंटी है, अगर आप इसका एक बार इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट टाइम से ही आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में आप इसको डेली यूज़ करें, फिर एक हफ्ते बाद इसको आप हफ्ते में दो बार यूज़ करें। दोस्तों काफ़ी लोगों ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब बहुत पैसा बर्बाद कर दिया डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट लेकर, दवाई लेकर, 20-25 हज़ार, मैंने खुद 20,000 रुपये बर्बाद किए थे लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला था। तो दोस्तों ये एक अच्छा फॉर्मूला है, दोस्तों आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करें और मैं बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।